जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु। आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये तुम्हारे साइंस में फिजिक्स के होंगे। किसके होंगे भाई? सारे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इसको तुम लोग कहते हो भौतिक विज्ञान। इसमें तुम लोगों को देखो क्या क्या होगा। इसमें तुम लोगों के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, जो तुम लोगों को MCQ में पूछता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पूछता है भाई, न्यूमेरिकल होंगे। मतलब सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे। चैप्टर होगा तुम लोगों का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके सारे क्वेश्चन होंगे हमारे इस चैप्टर के। 50 क्वेश्चन हैं, पूरे इंपॉर्टेंट हैं। 19, 20, 21, 23 सारे जितने आए, 22, पूरे 20, 21, 22, 23 हर साल के इसमें क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। बात क्लियर हो गई? तो इस वीडियो को तुम लोग शुरू से अंत तक देखना। मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाए हैं, मिक्स के क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां विजिट कर लीजिएगा। और यदि ये लोग तुम लोग इतना देख लेते हो तो 100% गारंटीज कर रहा हूं तुमको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा भाई हम लोगों से इसमें? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमको ध्यान देना है, नहीं पूछा है तो बहुत हिसाब से करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा ऑप्शन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पता है भाई प्रकाश सीधा चलता है, दाएं बाएं नहीं चलता। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, चलता है, नहीं पूछा है। तो प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। क्या है भाई? प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। बात क्लियर हो? ये था तुम्हारा पहला आंसर, नहीं है, ध्यान से देख लेना। अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे चले बेटा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है भाई क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है बेटा? अनंत होती है। बात क्लियर हो गई? इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चले। देखो टाइम ज्यादा नहीं है भाई कि हम लोग एक ही क्वेश्चन को उस तरह करें, तुरंत जल्दी जल्दी करके सॉल्व करना है, ठीक है। बस समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक, एक से अधिक, एक से कम, अनंत। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है भाई कितना होता है? हमेशा एक ही होता है। कितना होता है? एक ही होता है। बात क्लियर हो गई? इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, क्या बने बेटा? सीधा। किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा, ठीक है ना। देखो पास रखने पर कैसा बने बेटा? सीधा। और दूर रखने पर कैसा बने? उल्टा। किस दर्पण में होता है? आप सबको पता है अवतल दर्पण में होता है। किसमें होता है भाई? अवतल दर्पण में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात क्लियर हुई इस क्वेश्चन में? देखो अगला क्वेश्चन देखे बेटा। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, या तुम लोगों का ध्रुव पर। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं एक बार इसके पहले इस क्लास को, मैंने मिक्स के क्वेश्चन करवाया तब करवाया है। तो क्या होगा भाई इसका? अनंत पर। कहां बनेगा भाई? अनंत पर बनेगा। बात क्लियर हो गई? इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखें। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। फोकस दूरी 1/f बराबर, या f बराबर कहें, ठीक है ना। तो क्या होगा? यू 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। सीधा सीधा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट क्या होगा? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा, ठीक है ना। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट है। और फोकस दूरी से, ठीक है ना, इसे जो फोकस दूरी का तुमको इससे क्या पूछे बेटा? तुम लोगों को न्यूमेरिकल, कम से कम दो न्यूमेरिकल तुम लोगों से पूछेगा ही पूछेगा तुम्हारे MCQ में। तो आगे करवाऊंगा, बने रहना वीडियो में, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा अगला क्वेश्चन। किसी बिंब, क्या देख रखा है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर होगी बेटा इसकी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। कहाँ होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच भी होगी। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखें हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा बेटा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अभी क्वेश्चन करवाया है भाई ये वाला, करवाया है कि इसके पिछले वाले में? तो देखो पहला ऑप्शन देख रखा है, दर्पण के पीछे बनेगा, गलत। दर्पण तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा, गलत। फोकस पर बनेगा, गलत। दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसके बाद देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। देखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो बेटा होती है हमेशा किसमें होती है? बताया तुम लोगों को
इसमें होती है बेटा, इसके हमसे क्या पूछा, फोकस दूरी पूछा है, 1/f होगा तो इसका कितना आना चाहिए बेटा, माइनस, क्योंकि जो इसकी वो बनेगी हम लोगों की दूरी जो बनेगी कहाँ बनेगी, बाएं तरफ, कहाँ बनती है बाएं तरफ, तो बाएं तरफ का आंसर क्या हो जाएगा बेटा तुम लोगों का, माइनस में, तो 1/f से जब फोकस दूरी निकालोगे तुम्हारा कितना आएगा बेटा, माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा, कितना आंसर आएगा बेटा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अभी इसके बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोगों को, सॉल्व भी करवाऊंगा, परेशान मत हो। देखो एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, क्या देख रखा है बेटा, वक्रता त्रिज्या तुम्हारी कितनी बेटा 30 सेंटीमीटर, कि क्या पूछा है तुमसे, फोकस दूरी पूछा है, क्या पूछा है बेटा, फोकस दूरी, तो बता है फोकस दूरी 1/f बराबर होता है, क्या होता है बेटा, 1/f बराबर होता है, तो क्या आना चाहिए तुम्हारा यहाँ से बताओगे तुम लोग, देखो 1/f बराबर करेंगे तो क्या आएगा, फोकस दूरी r/2 होता है, f बराबर फोकस दूरी क्या होता है बेटा r/2, हमको रेडियस दे के रखी है, कितनी दे के रखी बेटा 30 सेंटीमीटर, कितनी 30/2 कर देंगे तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, बात क्लियर हुई भाई, फोकस दूरी निकालना था, क्या होगा तुम लोगों का, फोकस f बराबर r/2 लिखेंगे, रेडियस हमको दे के रखी है तो हमारा आ जाएगा 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर, बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो होगी, फिर हमसे क्या पूछा बेटा, वक्रता त्रिज्या दे के रखा है, फोकस दूरी पूछा है, तो f बराबर वक्रता त्रिज्या क्या हो गया बेटा r/2, सेम क्वेश्चन, f बराबर 32/2 हमारा कितना आ गया बेटा 16, किसका प्लस का, यदि यहाँ अवतल दे देता तो तुम्हारा माइनस का 16 आता, किसका आता बेटा, माइनस का 16 आता, बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, क्या पूछा बेटा हम लोगों से, वक्रता त्रिज्या का हम लोगों का मात्रक पूछा है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 12वां है, तो आपको पता है मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सभी ऑल ऑफ दीज, बात क्लियर हुई यहां तक। देखो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे इंपॉर्टेंट जो मैं करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल इसीलिए करवा रहा हूं कि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है और आएंगे ही आएंगे। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखें, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का, तो आपको पता होना चाहिए बेटा किसका होता है भाई, उत्तल दर्पण का, किसका होता है बेटा, उत्तल दर्पण का होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी या उल्टा, वास्तविक व उल्टा, इसको भी मैंने पिछली क्लास में तुम लोगों को करवाया है, तुम लोगों ने देखा होगा तो पता चलता होगा क्या हो जाएगा बेटा, आभासी व सीधा हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा बेटा, आभासी व सीधा। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, या कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तब दर्पण कैसा होगा, तो आपको होना चाहिए भाई, ये मैंने बताया आप लोगों को, क्या होगा बेटा इसका, केवल समतल हो सकता है, या केवल उत्तल हो सकता है, या केवल अवतल हो सकता है, एक सेकंड, हाँ केवल अवतल हो सकता है, क्या होगा भाई इसका आंसर, इसका होगा या तो समतल अथवा उत्तल, समतल भी होगा बेटा तुम्हारा, और कौन सा हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, इसका राइट आंसर ये होगा। इसके बाद देखो अगला, एक दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 दे के रखी है, उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना बच्चे हम लोगों को यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो फोकस दूरी तुमको दे के रखी है, एफ बराबर तुमको कितना दे के रखा है बेटा, 10 दे के रखा है। अब फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, एफ बराबर क्या होता है भाई, r/2 होता है, क्या होता है बराबर, r/2, एफ इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा r/2 हो गया। अब मेरी बात समझो, तुमसे पूछा है वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे जो तुम्हारी वैल्यू बनेगी r/2f हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2f, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, f का मान है तुम लोग यहाँ पे निकाल सकते हो r/2×10, यहाँ पे तुम्हारी जो वैल्यू आएगी r की कितनी आ गई बेटा 20 आ गई, केवल तुमको f बराबर r/2 याद रखना है, फोकस के लिए क्या याद रखना है, r/2, बाकी तुम अपने आप से निकाल लोगे, 20 तुमको कहीं उत्तर दिया है सेंटीमीटर, क्या होगा बेटा 20 सेंटीमीटर, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग, देखो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा या बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, लेंस के फोकस पर, लेंस से 2 फोकस दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच, 2f से अनंत के बीच, तो आप लोग बताएं क्या होगा बेटा इसका, इसका हो जाएगा, इसके लिए हमको रखना चाहिए लेंस से f तथा 2f के बीच रखना चाहिए, बात क्लियर हुई। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ध्रुव कहते हैं, द्वारक कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेंटर या ध्रुव कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन,
एक गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है, तो अभीष्ट संबंध अभी बताया मैंने, फोकस दूरी मैंने बताया ना तुम लोगों को बेटा, अभी हमसे क्या पूछा इसमें, वक्रता त्रिज्या आर में आर के बारे में पूछा, तो आर रबर बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2f। मैंने बताया ना अभी एफ बराबर आर बाई टू, हमको आर निकालना है, तो आर बराबर तुम्हारा क्या हो गया बेटा, 2f हो गया। मैंने अभी तुमको ये बात बताई है, ये बात तुमको अभी मैंने जस्ट बताई, इसके पीछे दो क्वेश्चन पहले, तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन में उसी से रिलेट करके ही है सारे, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन अलग से लिख दिया हो, स्पेशल लिख दिया हो, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेट करके लिखे गए हैं। अब देखो, यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, आई माइनस आर, आई प्लस आर, आई इंटू आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो तुम लोगों ने इसको बहुत मन से पढ़ा होगा अपनी क्लास में, क्या होता है बेटा, आई माइनस आर होता है, क्या होता है, आई माइनस का आर होता है। बात क्लियर हुई। इस देखो अगला क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, वायु के सापेक्ष बेटा माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जल में, हीरा में, कांच में या तारपीन के तेल में। तो जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है बेटा किसमें होता है, हीरे पे होता है, किसपे होता है, हीरे पे होता है। बात क्लियर हुई। अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चा, यदि दो माध्यमों के सीमा पर पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण होगा, मन हो तो पढ़ लेना, जो देख रहे होगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% तुमको मिलेगा, ठीक है ना। हमसे अपवर्तन कोण पूछा है, तो लंबवत पर तुम्हारा क्या होता है बेटा, हमेशा जीरो होता है। बात क्लियर हुई। अब देखो, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, विरल से सघन माध्यम में, सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, दोनों माध्यम में एक ही हो, तो ये बात तुमको पता होनी चाहिए, किसमें जी, सघन से विरल में, किससे जाए बेटा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, किसमें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अब देखो, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल का प्रयोग होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन बेटा मिट्टी का नहीं होता है, सॉरी मिट्टी की राइट आंसर होगा तुम लोगों का, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेटा तुम लोगों को, ये मिट्टी राइट आंसर होगा, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्या देख रखा है, किसी गोली दर्पण किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल या उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल या तथा लेंस अवतल, तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा भाई, दोनों अवतल होंगे, क्या होंगे बेटा, दोनों अवतल होंगे। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलें, तुमको जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना भाई, सेम मिलेगा, मतलब सेम का समझ गए ना, जो यहाँ बताया जा रहा है वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, कोई तुमको बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बात क्लियर हो गई। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं 26वां, कौन सा देखेंगे बेटा, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 26वां क्वेश्चन हमको क्या देख रखा है बेटा, 26वां क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं, पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, छोटे अक्षरों को करने के लिए कौन सा पसंद करोगे, तुम लोग देखो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल, तो आपको पता है बेटा कौन सा करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, कौन सा करेंगे बेटा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आपके एग्जाम में 2 कॉपी क्वेश्चन मिलेगा, बदल के क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ तुमको बदल के क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुमको भी वहीं अब तुम्हारे एग्जाम में भी वही तुमको क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। बात क्लियर हो गई। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु तथा प्रतिबिंब लेंस की 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की अनुपात, इसमें से क्या पूछा बेटा, अनुपात पूछा है, 10 और 3 का देके रखा है, ठीक है, क्या देके रखा है बेटा, 10 और 3 का तुमको इसमें क्या देके रखा है बेटा, अनुपात दे, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, दोनों का अनुपात कर देंगे आपस में, क्या कर देंगे, दोनों का अनुपात कर देंगे, तो 3 आना चाहिए, लेकिन आंसर में जो है इसका 3 ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को तुम लोग अभी छोड़ देना, करवाया जाएगा, याद है मेरे को, मैं तुमको अलग से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलें, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, लेंस के मुख्य फोकस पर रखें, फोकस दूरी की दोगुनी पर रखें, अनंत पर रखें, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखें। यह मैं तुमको दोबारा करवा रहा हूँ प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा फोकस दूरी तथा फोकस दूरी की दोगुनी पर रखें, दोगुनी पर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, रट्टा मार लेना बिल्कुल, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को तुम्हें बिल्कुल से याद कर लेना। देखो 15 मिनट हुआ है अभी हम लोगों का, 15 मिनट में मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए भाई, 28 क्वेश्चन, तुम लोगों को इसलिए स्पीड में करवा रहा हूँ, तुम लोगों को जल्दी हो,
यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा, 2f पर बनेगा, f पर बनेगा, f तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। तो देखो 2f पर रखी गई है उत्तल लेंस में, तो कौन सा बेटा बनेगा, 2f पर ही बनेगा। किसमें बनेगा बेटा, 2f पर ही बनेगा। बात क्लियर हुई। अब देखो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल होती 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पढ़ते चले आ रहे हो, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी मिलेंगे इसके, तुमको पूछता भी है न्यूमेरिकल खूब दबा के, क्या होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में, और दूसरा है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो। तो तुम लोग बता सकते हो क्या होगा भाई, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। कहाँ जाए बेटा, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। बात क्लियर हुई। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन 33वां। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में जो कुछ सॉरी आकार में कुछ छोटा बनेगा। दर्पण कैसा होगा, उत्तल अवतल समतल या नन ऑफ दीज। तो छोटा बनेगा बेटा किसमें, अवतल में बनता है। किसमें बनता है, अवतल में। अभी बताया हूँ, अगर तुम लोगों ने पीछे नोट किया होगा उस बात को तुमको याद होगा, किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा। अब देखो अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच आभासी एवं सीधा, दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच आभासी एवं उल्टा, दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा या फोकस पर। तो तुम लोग बता सकते हो बेटा इसका राइट आंसर तुम लोगों क्या हो जाएगा भाई, दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच आभासी और क्या बनेगा बेटा, सीधा बनेगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। अब क्या देख रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब। अभी मैंने करवाया है हमारा ये होमवर्क का क्वेश्चन है, एक बार इसको घर में करना, करना इंपॉर्टेंट है, कर लेना एक बार घर में, सारे तुम्हारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आओ बेटा अगला क्वेश्चन दे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 दे के रखा है, ठीक है ना, इसको हमको क्या करना है बेटा, प्रकाश की चाल पूछा है। क्या पूछा है बेटा हम लोग इसमें, प्रकाश की चाल पूछा है। तो देखो हमको क्या दे के रखा है भाई, एन दे के रखा है, हम लोग कहते हैं वैक्यूम एनजी दे के रखा है। क्या दे के रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल दे के रखी है बेटा, और उसकी क्या दे के रखी है बेटा, कांच में प्रकाश की चाल। देखो हम लोग लिख लें यहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना बेटा, प्रकाश की चाल, और क्या देख रखा है बेटा तुम लोगों को इसमें, कांच में प्रकाश की चाल। किसकी देख रखी है बेटा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में, ये फॉर्मूला होता है तुम लोगों को, ठीक है ना, प्रकाश की चाल। देखो इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करें तो कैसे करेंगे बेटा, हमको इन की वैल्यू 1.5 दे के रखी है, और हमको निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ दे के रखी है, बटे कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा बेटा, कांच में प्रकाश की चाल, हम लोग सीजी लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको इधर लेके आएंगे हम लोग, क्यों, तो जब हमारा इधर आएगा तो यहाँ से सीजी जो हमारा निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, 3×10⁸ बटे 1.5, यही निकलेगा। अरे मेरे भाई यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 × 3 क्या तुम्हारा सीजी की वैल्यू तुम लोग, अरे यार ठीक है, देखो ये बात क्लियर हो। अब देखो सीजी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ कितनी आ गई बेटा, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहीं आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर डी राइट है, मार के आगे बढ़ो, कुछ नहीं था यार, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब इस फार्मूले तुम लोग याद कर लिए हो, ठीक है ना, तुमको अपवर्तनांक देख रखा है, तुम लोग यहाँ लिख सकते हो अपवर्तनांक बराबर, कुछ भी लिख लो तुम। अब तुमसे जो पूछे उसका उल्ट फेर करते रहो, जैसे फोकस पूछ रहा है, वक्त त्रिज्या निकालना है, सेम वैसे है, नोट करना हो नोट कर लो। निर्वात में प्रकाश की चाल लिखी, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, लोग उसको मैनेज करना। वह क्वेश्चन बेटा स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे चले हम लोग। देखो स्क्रीनशॉट लेते चला करो तुम लोग। देखो अगला क्वेश्चन देखें बेटा, इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, हीरा में, जल में, कांच में या केरोसिन में। तो अभी पता है आप लोगों को, मैंने बताया है क्वेश्चन इसके पहले, तुरंत इसके पहले मैंने तुमको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 36, इसमें होगा बेटा हीरा में। प्रकाश की चाल किसमें न्यूनतम होगी तुम लोगों की, हीरा में होगी। बात क्लियर हो गई। इसके देखो अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं, लेंस के मुख्य फोकस पर रखते हैं या लेंस
सॉरी फोकस दूरी की दोगुनी पर अनंत पर लेंस के प्रकाशिक केंद्र और पटल मुख्य फोकस के बीच। तो कहाँ रखते हैं बेटा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और पटल मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। बात क्लियर हुई, अभी तुमको न्यूमेरिकल मिलेंगे, परेशान ना हो। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर किसी स्थित किसी बिंदु के बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा, फोकस, वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र या नन ऑफ दीज। बता सकते हो इसका तुम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा तुम लोगों को प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा बेटा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। बात क्लियर हुई, क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलें। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान 60, 90, 0, 120। तो कितना होगा भाई, इसका मान हो जाएगा तुम लोगों का 0। कितना होगा बेटा, 0 इसका राइट आंसर होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलें बेटा, 41 नंबर। किसी वस्तु का आवर्धिक काल्पनिक प्रतिबिंब हो सकता है या बन सकता है, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल या ए और सी द्वारा। तो आप लोग बताएंगे बेटा कौन होगा इसका। देखो इसका उत्तल लेंस द्वारा भी बन सकता है और अवतल दर्पण द्वारा भी बन सकता है, दोनों द्वारा बन सकता है। तो क्या हो जाएगा तुम लोगों का, ए और सी। ये तुमसे पूछता है, एक आंसर दिया तो उसी आंसर को मार के आगे तुम लोग बढ़ सकते हो। अब देखें अगला क्वेश्चन बेटा। प्रकाश के परावर्तन के लिए सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या केवल समतल दर्पण के लिए, या उपरोक्त में से सभी। तो तुम लोग बता सकते हो भाई इसको क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर तुम लोग बता सकते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। प्रश्न नंबर हमारा कितना है, 41वां है, ठीक है ना। कौन सा बेटा, 41वां क्वेश्चन है, बताओ। प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या देख रखा है प्रश्न बेटा तुम लोगों को, प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम सदैव क्या होता है बेटा, सत्य होता है। तुम लोग बताना चाहोगे इसको, प्रकाश के परावर्तन के लिए बताया है मैंने इसको पिछले उसमें क्वेश्चन तुम लोगों को, ये वाला इस क्वेश्चन को मैं पिछला में तुमको बता चुका हूँ। तो एक बार तुम इसको ट्राई करना अपने से, सरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत कठिन हो। तो एक बार तुम लोग क्या करना, इसको सॉल्व करना। देखो अगले क्वेश्चन पे चलें, इसको एक बार करना होमवर्क पे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखें बेटा, हमारा देख रखा है 42 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, ध्रुव फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर। क्या पूछा है बेटा, किसके बीच होगी, आप लोग बताएंगे इस प्रश्न को। वस्तु की स्थिति पूछा है हम लोगों से, ठीक है ना। इसका राइट आंसर तुम लोगों को क्या हो जाएगा बेटा, अनंत पर। क्या हो जाएगा बेटा, अनंत पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलें। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, दोबारा क्वेश्चन हो गया क्या, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से आगे, ठीक है ना। क्या होगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर तुम लोग बताओगे क्या होगा भाई। प्रश्न हमको देख रखा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, ठीक है ना, वस्तु के आकार के बराबर पूछा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा, वक्रता केंद्र पर। क्या हो जाएगा बेटा, वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखें। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, क्या पूछा है बेटा, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, आवर्धक लेंस के रूप में आता है तुम लोगों का, कार के पीछे की ओर की वस्तुएं देखने में, निकट दृष्टि दूर को दूर करने के चश्मों में, या साधारण कैमरों में, कैमरों में। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, केवल निकट दृष्टि के दूर करने के चश्मों के लिए। किसके लिए होता है बेटा तुम लोगों के, केवल चश्मों के लिए होता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र जिसको सी से करते हैं, और फोकस दूरी एफ के बीच, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के बीच रखना होगा। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा तुम लोगों का वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो पता है इसका क्या होता है बेटा, प्रति मीटर होता है, हमेशा मिलेगा, अभी आगे क्वेश्चन में सॉल्व करवाएंगे, मिलेगा क्या होता है, प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, समतल, अवतल, उत्तल या केवल गोली। तो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अब इसको करवाए कि नहीं भाई, क्या होता है तुम लोगों का, अवतल होता है। कौन सा होता है बेटा, अवतल इसका राइट आंसर होता है। बात क्लियर हो गई, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बतानी है। क्या बतानी बेटा, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बतानी है। देखो बहुत देर बाद न्यूमेरिकल मिला है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, हमसे इसमें क्या पूछा है बेटा, लेंस की
अर्थात प्रकृति, क्या पूछा है? लेंस की दूरी पूछा और हम लोगों से क्या पूछा है बेटा, इसकी प्रकृति पूछा है। देखो तो लेंस की क्षमता जो तुमको देके रखी है 2.5 डायोप्टर, कितनी देके रखी बेटा 2.5 डायोप्टर, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद मेरी बात समझो, अब देखो लेंस की क्षमता जो होती है किसके बराबर होती है, 1/2 फोकस दूरी के, तो क्या हो जाएगा बेटा लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बराबर 1/2 फोकस दूरी, ठीक है ना, क्या होगा बेटा 1/2 फोकस दूरी हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, लेंस की क्षमता बराबर 1/2 फोकस दूरी, हम लोग इसको लिखते हैं P बराबर 1/F, क्या लिखते हैं बेटा P बराबर 1/F लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमको P की वैल्यू दे के रखी, किसकी वैल्यू दे के रखी बेटा, P की वैल्यू हमको कितनी दे के रखी 2.5 हमको दे के रखी। अब मेरी बात समझो, इसको हमको निकालना क्या है बेटा, यहाँ पर 1/F लिखे हैं हम लोग, यहाँ पर 1/F। अब मेरी बात समझो, हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एफ निकालना है हमको, फोकस निकालना है ना, फोकस दूरी, तो मेरी बात समझो हमारे यहाँ पे क्या जाएगा 1/2.5 मीटर में निकालना है हमारा, सॉरी सेंटीमीटर में निकालना है, 100 ऊपर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा तुम लोगों के यहाँ पे कट के, ये 40, कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, वो भी किसका आएगा, माइनस का है, माइनस का है तो माइनस का, तो माइनस आपको पता है किसमें होता है बेटा, अवतल में होता है, किसमें होता है बेटा अवतल में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर अवतल हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? अरे भाई फॉर्मूला ही तो था, उसमें निकालना था सेंटीमीटर में, 100 कर दिए ऊपर 2, यहाँ हम ऐसे भी कर सकते थे 10^2, तो ऊपर ज्यादा तब भी यही होता, माइनस को 2 करते यहाँ पर, तो वही सेम चीज है वहां पर, तुम लोगों को ज्यादा दिमाग ना लगाओ, फिर सीधा सॉल्व करके आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग बेटा, प्रकाश की चाल सघन, प्रकाश की चाल माध्यम एक व माध्यम दो में क्रमशः V1 तथा V2 हो तब माध्यम एक का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष होगा। हमसे बेटा इसमें क्या पूछा है बेटा, अपवर्तनांक पूछा 1/2 के सापेक्ष पूछा है, तो ये प्रश्न तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर तुम लोगों को क्या हो जाएगा, पता है कि नहीं भाई, इसका तुम्हारा राइट आंसर पता है क्या होगा भाई, देखो V1/V2, V2/V1 सापेक्ष पूछा है हमसे, सापेक्ष वाला हमेशा क्या जाता है ऊपर जाता है, तो क्या होगा भाई V2/V1, अगर पूछता है वहां कर देता एक के सापेक्ष तो V1/V2 होता, ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। अब देखो अगला, 1 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता, क्या पूछा है बेटा तुम लोगों से, 50वां प्रश्न 1 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है, क्षमता का तुमको पता है क्या होता है बेटा इसका, फोकस दूरी निकालने के लिए 50वां प्रश्न कैसे करेंगे कोई बताएगा, 50वां प्रश्न भाई हमसे क्या पूछा, क्षमता पूछा है, मैंने भी बताया है तुम लोगों को उसका, हमसे उत्तल लेंस की पूछा है, वो भी किसकी पूछा है बेटा उत्तल लेंस की पूछा, मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम लोगों को भी बताया है, इसका क्या होता है बेटा तुमको पता होना चाहिए, फोकस दूरी होता है तुम लोगों का, ठीक है ना, फोकस दूरी P बराबर 1/F होता है, क्या होता है बेटा P बराबर 1/F होता है, यही होता है, उत्तल लेंस का पूछा है, सारी वैल्यू तुम्हारी सेम है, तुमको क्या निकालना है यहाँ पर, P निकालना है, क्या निकालना है बेटा P, फोकस दूरी तुमको कितनी देके रखी है 1 मीटर, तो P बराबर हो जाएगा तुम लोगों से 1/1, आंसर आया तुम्हारा प्लस का 1, एक सेकंड, तुम्हारा यहाँ से आंसर आएगा बेटा किसका आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो ठीक है तुम्हारा ये किसमें होगा, ये होगा तुम्हारा प्लस का 1, ये सुनो मेरी बात, इसमें माइनस लगाना बहुत जरूरी है, उत्तल दिया है, क्या दिया बेटा उत्तल, यदि यहाँ पर अवतल देता तो माइनस में आंसर आता, किसमें आता बेटा माइनस में आता। अगला क्वेश्चन देखो, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, फिर सेम प्रश्न आ गया तुमको, सेम प्रश्न आया कि नहीं आया भाई, अभी पिछले मैंने कराया है तुमको सेम प्रश्न मिल गया। अब देखो हमसे क्या पूछा है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होता है 1/2 फोकस दूरी, क्या होता है लेंस की क्षमता का फार्मूला, अब तो सारे तुमको पता चल गए ना लेंस की, एक सेकेंड यार, हाँ लेंस की क्षमता इसका क्या होता है बेटा 1/2 फोकस दूरी, क्या होता है 1/2 फोकस दूरी, क्या होगा 1/2 फोकस दूरी होगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर में दिया है, किसमें दिया बेटा सेंटीमीटर में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर में करेंगे तो यहाँ पे होगा 50×10^-2, यही होगा भाई 50×10^-2 होगा, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे हम लोग, देखो अब ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 100 ही बनेगा, 100/50 यही बनेगा भाई, 100/50 बनेगा, तो देखो सॉल्व करें तुम्हारा आएगा 2 डायोप्टर, कितना आएगा बेटा 2 डायोप्टर आएगा, 2 डायोप्टर, डायोप्टर किसमें पूछा उत्तल में पूछा है, उत्तल का तुम्हारा किसमें होगा बेटा प्लस का डायोप्टर होगा, किसमें प्लस का तुम्हारा 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुमको 100% तुमको कर रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम में तुमको मिलेगा ही मिलेगा, बात क्लियर हो गई ना। और देखो अगला क्वेश्चन देखें, 52वां क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है,
फोकस दूरी, सेम क्वेश्चन मिल रहा है, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे करोगे तुम लोग, उत्तल लेंस की क्षमता देके रखा है 5 डायोप्टर है, सेम फॉर्मूले में लगा दोगे भाई, फोकस दूरी 100 बटे क्षमता कर दोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे भाई, फोकस दूरी बराबर, एक सेकेंड रुको, एक मिनट रुकना। हाँ देखो यहाँ पर तुम लोग क्या कर दोगे भाई, फोकस दूरी यही कर दोगे भाई, उत्तल लेंस क्षमता तुमको कितनी देख रखी बेटा, 5 डायोप्टर, ठीक है ना। हम लोग उसको मीटर में चेंज करें तो ऊपर 100 चला जाएगा, हम लोगों का क्या हो जाएगा 100, क्षमता तुम्हारी कितनी है 5, कैंसिल आउट होगा तुम्हारा कितना आया बेटा 20, कितना आया 20 सेंटीमीटर। अभी किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस दिया है, क्या दिया है बेटा, उत्तल लेंस दिया है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक कि नहीं, ये बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन एक हमारा बच रहा है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का शायद ये, -10 क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पर क्या निकालना है बेटा तुमको, एफ निकालना है, क्या निकालना है तुमसे यहाँ पर, एफ पूछा है। अच्छा अब तो तुम लोग इसको कर ही सकते हो भाई, इसको तुम लोग कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो हमसे पूछा है यहाँ पर फोकस दूरी पूछा है, तुम लोगों को क्या पूछा, लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा तुम लोगों के यहाँ से, 1/ फोकस दूरी हो जाएगा। अरे बेटा लेंस की क्षमता पी बराबर, चलो अच्छा सीधा सीधा समझो तुम लोग, इतना ना दिमाग लगाओ। देखो पी बराबर तुम लोगों को हो जाएगा 1/f हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा पी बराबर 1/f। अब तुमको वैल्यू दे के रखी है, किसकी वैल्यू दे के रखी है बेटा, एफ की, फोकस दूरी नहीं सॉरी पी की वैल्यू देके रखी, किसकी वैल्यू देके रखी बेटा, पी की। तो पी बराबर तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1/f हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1/f होगा कि नहीं होगा, क्यों बात बताओ भाई, माइनस का 1/f होगा कि नहीं, ये बताओ तुम लोग पहले। तुम लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा बेटा तुम लोगों का यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन एक रिपीट हुआ है, एक उसको मैं पिछले में करवा चुका हूँ एक बार तुम लोगों को, ठीक है ना ये। हाँ अच्छा फोकस दूरी पूछा ना 1/f से, ठीक है, तो 1/10 ही होगा, तो माइनस का 10 तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर। ये मैं पिछले में क्वेश्चन तुमको करवाया हूँ, पिछला क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने इसी से सेम मिलता हुआ करवाया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर नॉट मीटर में। अब देखो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर, इसकी क्षमता पावर पूछ रखा है, अब वो फार्मूला लगेगा पी बराबर 1/f का, ठीक है ना, यही फार्मूला लगेगा बच्चा। अब तुम लोग रख सकते हो यहाँ पर वैल्यू की, नहीं रख सकते ये बताओ, वैल्यू तुम लोग यहाँ पर रख सकते हो, फोकस दूरी तुमको दे के रखा है, फोकस दूरी तुमको क्या है बेटा दे के रखा है, तुमसे पूछा क्या है बेटा क्षमता पावर पूछा है, क्या पूछा है बेटा पावर पूछा है, तो क्या हो जाएगा तुम लोगों यहाँ से पी बराबर 1/f, मीटर दे के ही रखा है, तो यहाँ तुम्हारा क्या जाएगा 1/f की, f का मान कितना है बेटा 5, सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा यहाँ पे 0.2 डायोप्टर, क्या आएगा बेटा 0.2 डायोप्टर आएगा। बात क्लियर हो गई, क्या आया बेटा तुम लोग यहाँ से आंसर 0.2 डायोप्टर आया, वो भी किस में आएगा, अवतल में पूछा है, तो अवतल का तुमको पता है मैं बताता चला रहा हूँ, उत्तल पॉजिटिव अवतल निगेटिव, तो माइनस का 0.2 डायोप्टर, कहीं उत्तर दिया है देख लो जरा, दिया हो भाई माइनस 0.2 डायोप्टर ऊपर दिया है। बात क्लियर हुई कि नहीं, अवतल उत्तल तुम लोग समझ गए कि नहीं, अवतल जो होता है तुम लोग बाएं तरफ होता है, उत्तल होता है दाएं तरफ, तो दाहिना पॉजिटिव सीधा सीधा, दाहिना पॉजिटिव होगा मेरा ये वाला मेरा क्या होगा बेटा निगेटिव होगा, वैसे हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वहां तुमको दे देगा कुछ भी दे सकता है, वैल्यू निकाल देगा अवतल उत्तल दे देगा, क्वेश्चन दे देगा उसमें कल अवतल उत्तल लिख देगा, तुम लोग कैसे निकालोगे इसको, जब सॉल्व करोगे माइनस में आ रही तो अवतल हुआ, प्लस में आ रही तो बेटा तुम्हारा उत्तल हुआ, ये बात समझ में आई। ये थे तुम लोगों के पूरे 55 क्वेश्चन, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं मैंने, उनको भी तुम लोग क्या करना है बेटा नोट करना है। बात क्लियर हो गई, अब मेरी बात समझो कुछ काम की, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्या है भाई सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, क्या है तुम लोगों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बहुत बड़ी सीरीज ला रहा हूँ एक तो तुम्हारे एग्जाम से पहले, जिसमें तुम लोगों के 500 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, कितने होंगे बेटा 500, उससे सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। और प्रयास कर रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं, कुछ लोग हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी ट्राई कर रहा हूँ कि शायद कुछ अगर बनता है तो उनके लिए भी करवाया जाएगा अलग से। बात क्लियर हुई, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये जितने क्वेश्चन करवाए हैं तुम लोगों को, इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन होंगे तुम लोगों के, ठीक है ना भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, किस चैप्टर के बेटा, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कोई सिंगल क्वेश्चन बच जाए तो मेरे से बताना, ठीक है, यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन 55 क्वेश्चन के आगे तुमसे 56वां क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के तुमको अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे, दो नहीं तो 4-5 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे, ठीक है ना, बहुत इससे क्वेश्चन पूछा, तो प्रयास इस चैप्टर को तुम लोग पूरा तैयार करना, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।